हे हेलो गाइस, दिस इज़ मंकिता। आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताने जा रही हूँ जो लोग डाइट पे हैं, जो जा अपने वेट लॉस जर्नी में है और जिनको खाने के बाद आफ्टर मील्स आपको क्रेविंग होती है। तो मैं एक ऐसी रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ कि वो आपको आपकी क्रेविंग को बिल्कुल ही कम कर देगा और आपको अच्छा भी लगेगा और वेट लॉस में हेल्पफुल तो होगा ही। तो हाँ, यहाँ पे मैंने डेट्स लिए हैं जो कि विदाउट शुगर डेट्स होती हैं, जिन पे कोटिंग नहीं होती। और मैंने पीनट्स लिए हैं जो मैंने शुरू में आपको दिखा दिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी इनको डेट्स को सीडलेस करके उनमें जो मेरे पीनट्स हैं वो भर रही हूँ। तो अब जब ये भर दिए तो उसके बाद मैं इनको कोटिंग करूँगी अपनी डार्क चॉकलेट के साथ। अगर आपको ये चॉकलेट, अगर ज़्यादा डार्क चॉकलेट आपको कड़वी लगती है तो आप नॉर्मल चॉकलेट्स भी ले सकते हो। तो हाँ, उसको करने के बाद, उसकी कोटिंग करने के बाद तो हम इसको रखेंगे 1 आवर के लिए रेफ्रिजरेट। तो लेट्स सी। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work. चलिए गाइस, अब हम डार्क चॉकलेट को मेल्ट करते हैं। तो मेरा ना यहाँ पे एक टिप है, अगर आप जब भी आप चॉकलेट को मेल्ट करने जा रहे हो तो उसके लिए ना आप पहले एक पैन में पानी ले लें, तो उसमें दूसरा बर्तन रख दें। तो क्योंकि अगर आप पैन में डायरेक्टली आप चॉकलेट को मेल्ट कर रहे हैं तो ना वो थोड़ी स्टिकी हो जाएगी और वो अच्छी नहीं बनेगी और जल जाएगी। तो मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि आप एक पैन में पानी लेके तो दूसरे में उसमें बर्तन डाल दें। तो यहाँ पे मैंने अपना जो स्टील वाला वो लिया है, कटोरा टाइप। तो अभी मैं थोड़ा सा वेट करूँगी पानी को गर्म होने में, तभी फिर मैं, अब मैंने अपना दूसरा बर्तन उसमें डाल दिया है। तो अभी इसमें मैं डार्क चॉकलेट डालूँगी। तो अभी मैं डाल रही हूँ अपनी चॉकलेट, और एक ध्यान रखना कि आप गैस को स्लो कर दें जब पानी गर्म हो जाएगा। तो उसके बाद मैं डाल रही हूँ चॉकलेट। अभी मैं, ये है मेरी डार्क चॉकलेट, अभी मैं एक हाथ से शूट कर रही हूँ तो मुझे मुश्किल हो रहा है। तो मैं ये उसके थोड़े थोड़े टुकड़े करके उसमें डाल रही हूँ।